हेलो सर नमस्ते। नमस्ते जी। आज अभी पेसर नपा वो उसका आ गया 122.75 575। ठीक है। और वो स्वेलिंग कम हुई नहीं हुई? हाँ स्वेलिंग कम हुई। स्वेलिंग मतलब वो कल तो डाइटर लिया था, आप बोले थे ना एक डाइटर दे दीजिए। डाइटर लेने के बाद रात को यूरिन हुआ 450 ml, ठीक है, 450 ml डिस्चार्ज हुआ दो तीन बार में। 400 टोटल 450 ml हो गया। दिन में तो सुबह सुबह तो यूरिन हुआ ही नहीं थे ना। तो पूरा दिन में मतलब पूरा 24 घंटे में कितना यूरिन आया होगा? आज कितना आएगा? कल तो रात फर्स्ट यूरिन हुआ। रात मतलब डाइटर दिया 2 बजे, 3 बजे थोड़ा यूरिन हुआ, 4:30 बजे 5 बजे इसे मिल के 8 बजे तक 450 ml हुआ। कितना? 450 ml मतलब आधा लीटर मान लीजिए, हाफ लीटर। हाँ एक बार में नहीं, दो तीन बार में मिला के। हाँ ठीक है, पर वो कितना स्वेलिंग का क्या फर्क पड़ा? स्वेलिंग मतलब तो अपर एब्डोमेन में थोड़ा टाइटनेस, लोअर एब्डोमेन तो टाइट है ही है, अपर एब्डोमेन का टाइटनेस थोड़ा नहीं, 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 नहीं जो पैरों में टांग में आ रही थी, पैरों का स्वेलिंग थोड़ा ये हो गया, कम हो गया, कम गया। डाइटोर एक ही दिन कल ही लिया था, आज भी लिया है? आज नहीं लिया, आज आपका बिना पूछ के हम लेना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, अगर आप बोलेगा तो आज भी लेने को बोलेगा। नहीं आज आज छोड़ दीजिए, अगर स्वेलिंग टांग की कम हो गई है तो आज मत लीजिए और फिर कल देखते हैं, क्योंकि जो यूरिन अगर 500-600 ml आ जाता है, हमारा पानी का इंटेक भी तो इतना ही है ना। हाँ इतना ही, इतना ही। तो ठीक है, फिर वॉक एंड रेस्ट को चालू रखें और इसको देखते हैं आज क्या ब्लड प्रेशर थोड़ा सा। देखिए जितना ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, चाहे वो 160 हो 170 हो, वो ठीक होगा। अच्छा। और ब्लड प्रेशर तब तक ऊपर नहीं है, नेचुरली क्या होता है उसका ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर जाता ही नहीं है। नहीं वो इसलिए नहीं जाता ना, लीवर की प्रॉब्लम की वजह से। जैसे जैसे लीवर हील अप होता जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। वो जो पोर्टल वेन का जो क्या लगता है सर, सर आपकी इज्जत क्या लगता है, ये बिल्कुल ठीक होगा? देखिए बिल्कुल ठीक होने में कोई खास डाउट तो नहीं है, क्योंकि जो लोग ठीक हुए ना, एक पेशेंट है जो 3 साल पहले, 3 साल से भी ज्यादा हो गए, 3 साल 2 महीने हो गए, वो उनकी एज 70 ईयर्स थी और वो पूरा 100% रिकवर हो गए और अभी भी ठीक चल रहा है। उसका भी लिवर सिरोसिस के पैच है? हाँ उनका भी एसाइटिस था, सिरोसिस नहीं एसाइटिस था सीधा, जब बात हुई थी तो एसाइटिस था, पेट में पानी भरा हुआ था काफी। 3 साल तक? हाँ उसको, उनको 3 साल हो गया पूरा, 3 साल 2 महीना हो गया। वो जुलाई की बात है शायद, जुलाई या अगस्त की बात है। तो उनका जो फीडबैक ना, उनका उनके लड़के से कल भी बात हुई थी। अब उनका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि उनको ना 7-8 किलोमीटर इकट्ठा घूमने की आदत है। हाँ हाँ जी हाँ। तो वो लेकिन वो भी ब्रिज क्रॉस में जाता थे, आजकल नहीं जाता है। नहीं वो नहीं करना है, मतलब जैसे भी ये जो वॉक एंड रेस्ट है यही सबसे बढ़िया चीज है। हाँ तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मतलब इसमें आप थोड़ा कोशिश कीजिए और एडवाइस कीजिए हम लोग को। आप जैसे बोलेगा ऐसे तो कर रहा हूँ अब तक। हाँ ठीक है, आज तो 15 दिन हो गया, 15 डेज, करीब 1 महीने में ठीक होता है और 1 महीने के बाद में फिर जो इसका तकलीफ क्या है, वो कुछ सिम्टम दिखाई देता है कि हाँ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बाद में और रिकारिंग हो जाता है, और क्या होता है, और एक पहले जैसा हो जाता है। एक बार हुआ बीच में आपको बोला था ना कि थोड़ा ये स्वेलिंग ऐसा चीज कम गया, अभी और बढ़ गया। नहीं वो सब होता है, वो उसका कारण होता है कि आप हम जो भी चेंजेस करते हैं वो ब्लड में होता है, फिर ब्लड उसको ट्रांसफर करता है सेल्स में। हाँ फिर जब सेल्स में ट्रांसफर करता है तो सेल से फिर जो इम्बेलेंस होता है वो सेल से बाहर निकलता है, ब्लड में आता है, तो फिर वो दोबारा से दिक्कत करता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके होता है। हमारा जो सेल्स में फ्लूइड होता है ना, वो करीब 65% होता है टोटल फ्लूइड का, ब्लड का फ्लूइड सिर्फ 10% होता है। तो वो 10 और 70 का जो धीरे धीरे करके कवर अप होता है, जैसे जैसे वो ब्लड में ठीक होगा फिर ब्लड उसको सेल में भेजेगा, फिर सेल से इम्बेलेंस होगा दोबारा से ब्लड में आएगा, फिर वो ऑन ऑफ चलता रहेगा 2-3 महीने तक। अच्छा अच्छा, फिर धीरे धीरे करके पूरा ठीक हो जाएगा। और सर ये इसको ये साइड वगैरह तो कुछ नहीं है, सिर्फ 3 8
टू एट मिल और चाय वही कुछ नहीं खाया, फ्रूट चीज कुछ नहीं खाया। अभी थोड़ा बहुत तू दे सकता है क्या? हाँ फ्रूट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, परंतु एक दिन ही दीजिए। मान लीजिए आज दिया आपने और टॉलरेट कर लिया तो कल मत दीजिएगा। अरे वो टॉलरेट हो भी जाता है ना, टॉलरेट हो भी जाता है तो बहुत गैप करके दीजिएगा हफ्ते हफ्ते दस दस दिन के बाद में। क्योंकि जैसे आपको पहली बार पानी का बताया था ना, हाँ। तो पानी पहली बार दिया तो वो ठीक से टॉलरेट हो गया, हल्का भी हो गया पेट, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम वो डाइजेस्ट होना बंद हो गया। और यही फीडबैक दूसरी जगह से भी आया था, जब पहले दिन बढ़ाया ना 12-13 ग्लास किया तब ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा जब लिया तो दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। इसी तरीके से उसमें भी ये किया था कि नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, तो पहले दिन खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर दूसरे दिन फिर खा लिया। तो इसलिए जो भी इम्बेलेंसीज है ना, डाइजेशन एकदम से ठीक नहीं होता, 3-4 महीने लगता है। एक तो है कि पानी खत्म हो जाए, पानी तो यूजली 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज होती है कि आपकी बॉडी में पूरी रिकवरी, वीकनेस वगैरह कब खत्म होती है, तो उसमें 3 महीने लग जाते हैं जब आपको हर चीज ठीक से डाइजेस्ट होने लगती है, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं होती है। स्लो रिकवर होने से कोई दिक्कत नहीं है, स्लो होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट दिखना पड़ेगा ना सर। हाँ जी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखना पड़ेगा ना, सब पेशेंट को भूसा आएगा कि हाँ हम ठीक होगा। हाँ, महीने के बाद में आप चेक करा लीजिएगा, उनका पानी खत्म हो चुका होगा, लेकिन पेट फूला हुआ है अभी भी। सर देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है पानी की। अगर वो पानी एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा तो वहाँ इन्फेक्शन होता है। अगर वो पानी खत्म हो गया तो कम से कम इन्फेक्शन का डर तो खत्म हो गया ना। फिर आपको एंटीबायोटिक का डर नहीं है, आपको बाकी चीजों का प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जो सेल्स वाला काम होता है धीरे धीरे होता है, फिर वो पेट जो फूला है वो धीरे धीरे करके अंदर जाता रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन एक 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 अच्छा सिम्टम यही है कि उसका जो बेली बटन ना वो बाहर निकल रहा था आधा इंच तक, अभी तो घुस गया। उस दिन पिछले संडे आपको हम तो फोटो भेजे थे ना, देखा वो ऐसा हुआ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा, लेकिन देखता हूँ क्या होता है सर। लेकिन आप थोड़ा गाइड करते रहिएगा। हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक सर, थैंक यू। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, क्या है? बढ़िया बढ़िया। आज बहुत ट्राई किया, मैंने सीवियर टाइम हम ट्राई किया आपको। हाँ, हाँ, बेस्ट बिजी थे। हाँ, जी, जी। अच्छा, वो आज डाइटर तो कल भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया, आज सुबह भी थोड़ा 400 ml ऐसा ये हुआ, यूरिन हुआ। अच्छा अच्छा, यूरिन हुआ। और प्रेशर आज से किया 133/68, पल्स आ गया 85। ठीक है, ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पोर्टल पेन का, पोर्टल पेन जो है उसका प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से इसका इसका सर क्या होता है, इसका एक दो ढाई साल से वो जो डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना, नीचे का जो है ना, वो 65 से ऊपर जाता ही नहीं थे। अभी कितना, आज कितना आ रहा है? अभी 68। हाँ, तो अब धीरे धीरे जाएगा, 80 तक जाएगा, 85 भी जाएगा, 90 तक भी जाएगा, जाता रहेगा। वो तो वही 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 शेड्यूल फॉलो करते रहे, बोलो उसको। हाँ, वही फॉलो करने के लिए बोलिए, उसी में ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी तो स्वेलिंग कुछ तो कम हुआ होगा। स्वेलिंग मतलब पेट का स्वेलिंग 10-20% घट गया। हाँ, वो हो जाएगा, दो दिन में कर रहा था ना, दो लेकिन बीच में आपस और आपस आ जाता है ना, वो आता जाता रहेगा, परंतु बाद में खत्म हो जाएगा, महीने डेढ़ महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। फ्लूइड जो पेट में फ्लूइड है वो कहीं तो जाएगा ना, जैसे जैसे वो जाएगा पेट का कम होता जाएगा, कहीं बढ़ता जाएगा, फिर वो आराम से निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 सर, थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। आज मॉर्निंग टाइम का प्रेशर नोट किया 120, 128, 68 और पल्स आया 75। अच्छा, पहले पल्स कितनी आती थी? पहले पल्स पता नहीं है, 65, 67
ऐसे आता है, अभी थोड़ा बढ़ गया लेकिन। तो ये जो ब्लड प्रेशर का मशीन है तो घर पर है ना उनके पास अपने? हाँ 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 हाँ, घर पर मॉर्निंग इवनिंग लेने बोला हम। हाँ नहीं, चार बार ही बोली है, दिन में चार पांच बार ही लेने के लिए बोली है, और उसमें देखते रहे ना कि बीच में बढ़ता है नहीं बढ़ता, बढ़ना चाहिए ब्लड प्रेशर। और बाकी स्वेलिंग वगैरह सब ठीक है? बाकी स्वेलिंग मतलब तो स्वेलिंग ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ, जैसे कि ऐसे ही आए, ठीक चल रहा है। वॉक एंड रेस्ट, वाटर, डिहाइड्रेशन ये सब तो चल रहा है। और पेट में भारीपन थोड़ा हाई, पहले से कम है ना स्वेलिंग, लेग स्वेलिंग थोड़ा, हाँ पहले से थोड़ा कम गया, लेग स्वेलिंग थोड़ा घट गया। ठीक है, मेन प्रॉब्लम हुआ सर पेट का पानी। सर पेट का पानी तो महीने भर में खत्म हो जाता है, अगर महीना नहीं हुआ तो महीने तक खत्म हो जाएगा, अगर हल्का भी लग रहा है तो। महीना तो नहीं हुआ, आज कितना दिन हुआ? 18 दिन 19 दिन होगा, 19 डेज होगा शायद। हाँ तो अभी पेट का पानी खत्म हो चुका होगा काफी हद तक, अगर नहीं भी हुआ होगा तो हो जाएगा। टिश्यू जो है ना, जो स्वेलिंग होती है, हाँ, वो हाँ, स्वेलिंग रह सकती है अभी, परंतु पेट का पानी खत्म हो जाएगा, मतलब अगले हफ्ते 10 दिन में वो पेट का पानी तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए। बस उसके बाद में जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। अच्छा, प्रेशर थोड़ा बढ़ गया ये सिस्टोलिक वाला जो 128 आ गया, वो तो कल भी 133 था शाम को। हाँ, पहले तो 120 तो कहीं नहीं जाते थे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसका चक्कर यही होता है, क्योंकि जब आपका पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ता है तो इसका प्रेशर कम होने लगता है उसको सेव करने में। हाँ, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसका खत्म होता जाएगा, वो ठीक हो जाएगा पूरा। पोर्टल वेन का ये जो प्रॉब्लम है ना, 2018 से है इसका। हाँ, और जैसे जैसे ये बढ़ता है बहुत खतरनाक है। मतलब क्या सर, पोर्टल वेन, पोर्टल प्रेशर अगर हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाएगा तब क्या है, वो सांस जाए खून निकलने का, वो ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ, एक बार तो उसका क्या हुआ थे, पहले बार 2018 में हठात इसको क्या हुआ, ब्लड वॉमिटिंग हुआ, और ब्लैक टेरी जैसे स्टूल भी 2-3 दिन हुए थे। बट मैं हम लोग क्या किया, वो बेंडिंग किया, ईवीएल जिसको बोलता है, इसोफेगल वेरेसेस लिगामेंट लिगेशन, उसके बाद तो हुआ नहीं है अब तक। लेकिन पिछले साल एक बार ने क्या ब्लैक टेरी स्टूल हुआ थे, वो भी अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी तो स्टूल का कलर एकदम ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसे जैसे, एक्चुअली में मेरे ख्याल से जैसे जैसे आपका इंटरनली कुछ वीकनेस होता है ना, तो ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, ताकि रप्चर नहीं हो। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, ब्लड का काम ही टिश्यूज को न्यूट्रिशन सप्लाई करना है, तो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पोर्टल वेन ठीक होती जाएगी। ये में यही प्रॉब्लम है। हाँ, और वो पोर्टल वेन ठीक होते तो सारा ठीक हो जाएगा ना फिर तो। और जैसे देखिए 133 भी आ गया अगर, तो 140-150 तक पहुंच जाएगा धीरे धीरे करके, 15-20 दिन में पहुंच जाएगा, और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। इसके पहले क्या थे, हम एक बार आपको हम व्हाट्सएप में लिख के दिए थे डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसका क्या हुआ, इसका मतलब वो LFT वगैरह तो एकदम नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन थोड़ा घट जाता है, और एल्बुमिन घटता है, बाकी अल्कालाइन फॉस्फेट टेस्पेट मोटा मोटी रेंज के अंदर ही रहता था। जब से आपका ये शुरू हुआ तो हम सारा एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब बंद करवा दिया, मेडिसिन दवा। अभी आप ना एक महीना पूरा होने के बाद एक बार HP चेक कर लीजिएगा, HP बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, और वो भी शायद थोड़ा बहुत आ गया, क्योंकि पहले हम सप्ताह में एक बार जाता ही है, मेरा घर यहाँ से, हम गुवाहाटी में रहता हूँ, हमारा यहाँ से मेरा गाँव जो है वो नलवारी, वो करीब 40-50 किलोमीटर है, हम जाता ही है एक बार वीकडेज में देख के आएगा, और बाकी करेस्पोंडेंट फोन पे हम फीडबैक लेता है, आपको बताता है रोज। जी जी, तो उम्मीद कर सकता हो कि क्यूरेबल क्यूर होगा ना? सर देखिए, एक बेसिक चीज होती है कि अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो 6-8 महीने में 100% हो जाएगा, बल्कि आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। परंतु कुछ लोगों का वो होता है, डिफरेंट वे होता है, वो अपनी रूटीन को नहीं छोड़ते हैं,
ये छोड़ दिया ये, हाँ। ये जैसे हम लोग बोलेगा वैसे ही छोड़ेगा, ये बहुत ये है ओविडेंट है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे अभी पेशेंट जो सबसे पहले ठीक हुए थे उन्होंने हाँ। इसको किया, वो पूरे ठीक हो गए 3-4 महीने में, 3-4 महीने के बाद ठीक होने के बाद फिर दोबारा से पुराना रूटीन शुरू कर दिया। हाँ। फिर उसके बाद साल 2 साल के बाद फिर प्रॉब्लम हुआ, फिर थोड़े दिन ठीक किया, फिर दोबारा से पुराना शुरू कर दिया। तो अभी अभी भी उनको पुराना शुरू कर देते, वो बार बार से कुछ दिनों के बाद जब जैसे ही कुछ दिन होते हैं ठीक होते हैं, फिर दोबारा से महीने 2 महीने बाद शुरू कर देते हैं। परंतु उसके बाद जैसे ही इस पर आते हैं तो फिर उसका रिस्पांस रेट बहुत अच्छा होता है, फिर तो 4-5 दिन के अंदर पूरा ठीक हो जाता है। अगर मान लो ये एक्चुअली सर ये जो पेशेंट है ना ये एकदम तीतू तला रहा है, ये पान भी नहीं खाता है, दारू का तो बहुत दारू का तो बियॉन्ड इमेजिनेशन वो देखता ही नहीं है। फिर भी इसका क्या हुआ था 2003 में गोलबर्डस्टोन ये सर्जिकल हुआ था, गोलबर्डर तो हटा ही दिया 2003 में ही। अच्छा, बाद में क्या हुआ इसका बाइल सिग्रेशन की वजह से कभी कभी पेन होता था एब्डोमिनल, वो डॉक्टर क्या कहता है नाक से कोई पाइप घुसा देगा, घुसा के वो जितना बाइल ये जमा हुआ पेट के अंदर निकल देता है, एक दो दिन में आराम मिलता है। ऐसे चल चल रहा 2003 में जब उसका ब्लड वोमिट हुआ, हम हाथों गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट लिवर स्पेशलिस्ट बीडी गोस्वामी बोल के यहाँ वो रूसिया से ये पीएचडी किया, वो बोला इसका तो लिवर का कंडीशन ठीक नहीं है, वो लिगेशन वगैरह कर दिया, बाद में ठीक हुआ, बाद में धीरे 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 आया थे। लेकिन हठात अचानक ये 2021 अप्रैल में उसका पेट में पानी भरना शुरू हो गया, पहले नहीं थे ये एकदम नहीं थे। हम एक दो बार सोनोग्राफी या MRI भी करके देखा, SIT नहीं थे। अप्रैल मतलब मिड ऑफ अप्रैल से ये शुरू हुआ धीरे धीरे, और अभी तक का जितना ये है तस्वीर तो फैजा आपको देख लिया हुई पोजीशन। अभी जैसे जैसे आप बोलोगे जैसे जैसे हम करने दिया कर रहा है 100% कर रहा है। अभी वो किया है खाना और पानी दोनों छोड़ने वाला एक बार कर चुके हैं ना? हाँ 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 एक बार किया ना, एक बार किया। कितने दिन पहले हुआ है? करीब 10-11 दिन पहले। अच्छा अच्छा तो 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं। एक दिन एकदम बिल्कुल खाना बंद, एक दिन एकदम बिल्कुल पानी बंद ना? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। और नेक्स्ट संडे को कर सकते हैं, मतलब अभी कुछ दिन के बाद कर सकते हैं, एक हफ्ता और ये वाला हफ्ता भी निकलने दीजिए संडे से। ये रनिंग वीक कंप्लीट होने दीजिए उसके बाद हाँ, करेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ इसको कंप्लीट होने दीजिए। आज यूरिन आउटपुट इसे डाइटरेटर तो कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया डाइटर, एक दिन ही दिया था 7 दिन पहले, उस दिन यूरिन आउटपुट थोड़ा फोर्स था, फोर्सफुल्ली हुआ थे, जोर से हुआ थे। आज भी हम सुबह पता किया, वो बोला आज 250 ml ऐसे निकला एक ही बारी में ना, एक ही बार हुआ, बाद में और लेट्रिन के साथ भी हुआ थोड़ा। मतलब पूरे दिन में आधा लीटर से तो ज्यादा है ना, 700-800 ml? ज्यादा होता है, डेफिनेटली ज्यादा होता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। ठीक है थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ एवरेज प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब 146, 86 और पल्स आ गया 69 एवरेज। हाँ ये तो वेरी करता रहता है, कोई कभी कम होगा कभी ज्यादा। हाँ 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 तो ये ठीक है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ अभी। ओके ओके।